हेलो हेलो, अस्सलाम दोस्तों, उर्दू क्लास में जान जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम टीचर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम टीचर। हेलो नीस। हेलो रमेश, आपका नेट खराब चल रहा है। कैसे चल रहा है? या कंप्यूटर सब मुझे लग रहा है इसको मोबाइल पे ले लेना चाहिए क्लास। टीचर आप बस आज कुछ गेम भी गेम टीचर से भी खेलेंगे आज। आई पब्लिक ये साहब का माइक ही बंद है। यस ए अब दो दो से और आप मोबाइल पे आ रही हैं टीचर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं इसका नहीं दिया था। Yes, मैं दो दो जगह मिस दो दो मोबाइल से क्यों कनेक्ट हुआ? ताकि एक मोबाइल से आप लोग मुझे देख सके, सही है, और एक मोबाइल से मैं आप लोगों को देख सकती हूँ। इसमें जगह सबसे अच्छा है। क्यों एक चीज से आप नहीं देख सकते हम लोगों को? नहीं क्यों ऐसे ही मुझे अजीब सा लग रहा है कि एक आप ऐसे स्माइली फेस को इग्नोर करें और जो मेरा एक्चुअल फेस है उसे देखें। हम ऐसे सुन रहे हैं कि आप दो तीन तीन है। तीन तीन दो 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 नहीं है ज्यादा। तीन चीजों से ज्वाइन कर ले, एक से आप हमें देखें, एक से आप पढ़ाएं और एक से बातें कर ले। अच्छा तीन फाइव का चाहिए। टीचर तीन तीन कैमरे लगा ले पीछे। कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बन रही है। 150 कैमरा लगा दिया। हेलो गाइस तीन फाइव का आ जाएंगे। अच्छा पानी लगा गेम खेलना। ओके गाइस गेम छोड़ रहे हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हमारी इसमें पढ़ते हैं, बातें करेंगे आज। आज नहीं पढ़ते रोज आपका यही है, रोज उम्र का यही है। आज नहीं पढ़ते, उम्र का बस चले तो वो कभी पढ़ेगा। पढ़ाई तो थी अभी, मेजरमेंट वाली एक्टिविटी और करवाना। और करवाऊंगा और क्या करवाऊंगा, करवाती हूँ। परसेंटेज पे आते हैं फिर करवाती हूँ। ये वाला खत्म हो जाए तो परसेंटेज की एक्टिविटी होगी। मैं तो बातों की रोज बातें करते हैं। बातें कब करते हैं? रोज बहुत कम बातें करते हैं। क्या कहा पापा ने? कहा नहीं समीर ये तो गलत वाली बात से शेयर हो गई भाई। बातों बातों में आप लोगों की अच्छा दिस इज द वर्कशीट वी वांट टू टीचर। पेज नंबर नंबर नहीं पता बेटा, वर्कशीट देख ले। प्रॉब्लम्स विद टाइम करीबी है, करीबी है, सब करा हुआ है तो मैं चली जाती हूँ। अब उमर तो चले गए थे वापस आ गए। मैं ये क्या था जाके वापस आना मिस उमर के लिए चला मुझे पता चली जाता कि आप भूल गए। चलो मिस ये वर्कशीट भले आपकी क्लास है ना, मैं सबकी बनाने की क्लास है ना, 30 मिनट आप पढ़ाएं, 30 मिनट बातें करते हैं। अगर जल्दी जल्दी पढ़ लिया चुपचाप बैठ के तो फिर थोड़ी देर भी बात थोड़ी देर बातें करेंगे, सही है? तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। हाँ हाँ मैं ऐसा करती हूँ, जूम ना खोल के चली जाती हूँ, आपका सब बातें करते रहना। मिस लेकिन होस्ट मुझे बना के जाइएगा। होस्ट मुझे बना के जी, जैसी आपकी फरमाइश। टीचर होस्ट मुझे बना दीजिए। अच्छा होस्ट बनाते हैं। नाउ आई विल काउंट 5, 4, 3, 2, 1. If you respect your teacher, you should follow her instructions. Okay, now, so हमारा first जो question है over here is Jack's PE personal assistant होगा जो भी है या PE lesson started PE I don't know what is PE over here take it as a subject. Jack's PE lesson started at
10:30 and lasted for 40 minutes. At what time did the lesson finish? इन्होंने क्या कहा कि भाई जैक का जो लेसन है PE को थोड़ा सा ना साइड पे कर देते हैं, क्या है क्या नहीं है, अब बिल्कुल भी जो है ना, अब बिल्कुल भी बातें नहीं होंगी. टीचर म्यूट कर दें सबको. नो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. आप प्लीज मिस बिल्कुल भी बातें नहीं होंगी. अब मैं जैसे पूछूंगी ओनली ही शी हैज टू आंसर मी कि क्या होगा. सही है. नाउ द क्वेश्चन इज जैक्स पीई लेसन स्टार्टेड. Jack's PE lesson started at 10:30 AM, PM कुछ नहीं है, बस 10:30 है, and lasted for 40 minutes. At what time did the lesson finish? किस वक्त जो lesson था वो finish हो गया, और कब start हुआ था? भाई अगर हमारा lesson 10:30 पे start हुआ है और 40 minutes बाद जो है वो lesson हमारा खत्म हो गया है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? सिंपल है. टेन थर्टी सही है. अच्छा इसमें वन वर्ड आंसर देना है तो आपको सॉल्यूशन तो लिखना नहीं है. यू डोंट नीड टू डू एनी मेथड, बट व्हाट यू नीड टू नो इज के हाउ टू सॉल्व इट. दिस इज आर सही है. दिस इज मेंट सही है. ये पूरा नहीं लिख रही मैं, आपको समझ आ रहा है ना, या मैं पूरा लिख दूं? चलो लिख देता हूं. दिस इज आवर, दिस इज मिनट. या सीधा लिख दूं 10:30, ये दिस इज आवर आवर एंड दिस इज मिनट. नाउ दिस वन इज अ लिटिल परफेक्ट. And you all can see it as well. सही है? So ये तो हमारा हो गया hour और ये हो गया minute. उन्होंने हमसे क्या कहा है कि भाई उन्होंने 40 minutes बाद क्या किया है? क्या किया है? Lesson finish. तो हमारे hours कितने हैं? Zero. Plus कर देंगे हम इसमें. Hours कितने हैं? Zero. सही है. Minutes कितने हैं? 40. ये कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, तरीका नहीं है करने का इसको. ये सिर्फ एक हमें अगर नहीं सॉल्व करना आ रहा, हम अंदाजा इतना अच्छे से नहीं लगा पाते, या हमें नहीं पता, हम गलत ना कर दें, उसके लिए हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर हम 30 में 40 मिनट प्लस करें तो क्या होगा? अच्छा ये जीरो जो है वो मैं मिटा देती हूँ. सही है. 30 में 40 प्लस करें क्या होगा? फहद, यू आर कंटिन्यूअसली इधर उधर देखिंग. यू आर लुकिंग एट ओवर हियर हियर कंटिन्यूअसली टॉकिंग टू समवन. आई डोंट नो हु शी इज और ही इज. क्या हो गया फहद? हाँ जीरो जीरो. अच्छा ये मैं पूछती हूँ किसी और से, ये इस तरह से होगा. Arlia, unmute yourself. Arlia, how you will do it? मुझे बताना पड़ा था कि मैं जरा आपको अनम्यूट कर दूंगा. हाँ बताएं. अगर मैं 10:30 में 40 मिनट प्लस करूं तो मेरे पास कितने होंगे? प्लस करूं 40 मिनट्स, सो हाउ मेनी व्हिच टाइम, एट व्हिच टाइम जैक ने किस टाइम पे खत्म किया अपना लेसन? सेट जल्दी 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 और लिया.
ऐसे ही बता दें, इसको सॉल्व ना करें, ऐसे ही बता देते हैं। मिस 11 11 10। अच्छा इसको ऐड करेंगे तो पता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, तो 70 मिनट्स हो जाएंगे ये। अब 70 मिनट्स तो जाहिर है हम ये तो नहीं लिख सकते 10 70 10 70, तो कुछ होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इससे अंदाजा लगा लेंगे कि भाई 1 आवर है 60 मिनट, थोड़ा सा ना थोड़ा सा 1 आवर है 60 मिनट्स, तो व्हाट डज दैट मीन दैट 11 10 बोला तो है, दैट 11 ग्यारह बज के 10 मिनट, 5:18 बोलते हैं ना, तो 11 10 सही है ना, सही है, यहाँ तक क्लियर है? यस मिस, जो मैंने आंसर बोला वो सही है क्या? जो मैंने अभी आंसर बोला है क्या आंसर? 11 10। हाँ 11 10 भी बोल देते हैं, कोई मसला नहीं है, क्यों सही है। ओके नाउ तो इसका हमारा आंसर हो गया, मैं यहाँ कर दूँ, इलेवन, क्योंकि यहाँ पे ना एम दिया हुआ है ना पीएम दिया हुआ है, तो आंसर सिर्फ क्या होगा, ये जरा मेरा बॉक्स जो है वो छोटा पड़ रहा है, आपने सही से लिखना है, जल्दी से इसको सॉल्व करके लिख लें। 11 hours 10 minutes, सही है, जल्दी से लिख दें 11 hours, at exact 11 10, हरी अब why Zainab, why इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है, अगर हम क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो उन्होंने कहा है जैक्स पी ने लेसन जो है वो स्टार्ट किया था 10:30 पे, सही है, समझे 10:30 पे जैक ने अपना लेसन स्टार्ट किया, 10:30 उस वक्त टाइम हो रहा था, 10:30 पे अपना लेसन स्टार्ट किया, लेट्स सपोज यू आप अपने आप को सपोज करें जैक की जगह, सही है, आपने एक रूटीन बनाई है डेली अपने स्टडीज करने की, आपने डेली पढ़नी है मैथ फॉर 40 मिनट्स, सही है, आप अपना डेली आपने मैथ्स पढ़नी है 40 मिनट्स सुबह के वक्त, 10:30 पे आपने स्टार्ट किया मैथ्स पढ़ना, अब आप वो किसी भी टाइम करें, आपने आज क्या किया, आपने सुबह 10:30 पे मैथ पढ़नी स्टार्ट की, अब आपको पढ़नी थी 40 मिनट्स के लिए मैथ, सही है, आपने एक ये रूटीन बनाई थी, नाउ यू आर प्रैक्टिसिंग इट फॉर 40 मिनट्स, अब आपने क्या करना है, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड इट एट 10:30 o'clock, सो नाउ After 40 minutes, you have to know that what time is it. तो आपने ये बिना घड़ी देखे आपको बताना है कि भाई अब आपने ये अपना lesson 40 minutes बाद जो खत्म किया है तो उस वक्त time क्या हो रहा था, At what time? So what time? At that time. मतलब क्या हो रहा था उस वक्त, सही है, तो 10:30 पे अगर start किया है तो 40 minutes बाद obviously 30 मिनट्स और 40 मिनट्स को अगर हम प्लस करते हैं तो 70 मिनट्स होते हैं, जबकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम 70 तो लिख ही नहीं सकते, हम ये तो कह ही नहीं सकते 10:70 या 10:70 o'clock, ऐसा तो नहीं कह सकते ना, बिकॉज वॉच डजंट हैव दिस, सही है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल 70 में से 60 माइनस करेंगे, और 60 नीचे लिखते हैं, 70 में से 60 माइनस करेंगे बिकॉज 60 होते हैं, तो 10 बचा और ये 61 आवर है, तो क्या हो गया, आवर प्लस हुआ तो 11, क्योंकि देखो ना 10:30 है, 11 और जो 10 बचा था वो 10 मिनट्स थे, 10 minutes. अब Zainab क्लियर हुआ थोड़ा सा,
ये तो हम दिमाग से कर सकते हैं, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने की भी नीड नहीं होती. वी कैन डू इट बाय आवर ब्रेन. दैट ऑब्वियसली बात है. आफ्टर 40 मिनट्स देयर विल बी 11:10. ओके नाउ अब इसका आंसर मुझे कौन देंगे. डैड स्टार्टेड टू क्लीन हिज कार. अब सबको समझ आ गया पहला क्वेश्चन. एवरीवन इज क्लियर. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ताकि मैं देख लूं जरा. कोई कंफ्यूजन तो नहीं. सब अपने अपने कैमरे खोले. सारे कैमरे बंद करके सो रहे होते हैं. ओपन योर कैमरा एवरीवन. हुज़ैफा, अहमद अफजल, आयमा, हरियाब. और लिया. सब अपने अपने कैमरे खोले. हरियाब ओके नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज Dad started to clean his car at 3:45. He finished at 12 minutes past hour. How long did he take to clean the car? अब मुझे ज़रा इसका बताएं that what does that mean? इन्होंने ये नहीं कहा 12 minutes. He finished at 12 minutes नहीं. ऊपर वाले जैसा बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में तो इन्होंने कहा था he lasted for 40 minutes. मतलब उन्होंने जो है 40 minutes बाद finish कर दिया था अपना. सही है. Now here he is saying that he finished at past 4:12 minutes and then here we have is past 4. Are you getting me? क्या है यहाँ पे past 4. अब इस past 4 का मतलब मुझे कौन बताएंगे. अच्छा जी शमीर. I'm asking you to unmute yourself then tell me. हरियाब टीचर इसका आंसर 357. नहीं आई डोंट नीड आंसर तो मैं बता दूं. मुझे बताएं पास्ट 4 का मतलब क्या है. टीचर मतलब 4 पास्ट 12 मींस 4:12. एग्जैक्टली क्या मतलब हुआ 4:12. एग्जैक्टली तो अब मुझे बताएं शमीर. अच्छा ये हमेशा याद रखना है. अगर यहाँ पे 12 मिनट्स नहीं होता, यहाँ पे 10 मिनट्स होता है, तो क्या होता है पास्ट 4. 10 मिनट्स पास्ट 4 तो क्या होता 4:10. मतलब 4:10 4:10. सही. अब यहाँ पे हमारे पास 12 मिनट्स पास्ट 4 था तो ये क्या हो गया 4:12. यहाँ तक क्लियर है बात. यहाँ तक क्लियर है आपको सबको. तो ये बेटा इन्होंने ये कहा है कि अगर अजान हो रही है 2 मिनट रुकते हैं इतने में यहाँ लिख लेती हूँ. ओके अजान होने दें देन वी विल कंटिन्यू. सही है. लाइक अजान टू कंप्लीट.
Can you all hear me? Hand raise कर दिया करो, सही है, समझ गई मैं. Okay now, अब इधर एक काम करना जरा. सही है, कुछ नहीं काम करना. सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि मैं क्लॉक कैसे बनाऊँ. क्लॉक बना सकती हूँ, चलो मैं क्लॉक एक मिनट में सर्च से निकालती हूँ क्लॉक. लेट मी टेक क्लॉक फ्रॉम समवेयर. क्लॉक से ना जरा अच्छे से समझ आएगा. क्लॉक देखेंगे ना हम. वेट, सीधी सादी क्लॉक ही नहीं है. चलो ये बेहतर. क्लॉक से देखेंगे कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं. वाओ, ओके नाउ हमारे पास क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन भी खोलना पड़ेगा, दो मिनट. ओ भाई क्वेश्चन ढूंढो. जल्दी मिल जाओ. You also shut up. Shut ups क्या होता है? Shut up होता है. Shut ups क्या होता है? लड़ने आते हो क्लास में? हाँ, जो लड़ रहे. अच्छा, अगर पास्ट 12 है ना, दैट मीन्स दैट फोर, अगर फोर पास्ट 12 है, दैट मीन्स दैट 4:12. लेकिन अगर हाफ पास्ट हो जाता है, इफ दे से दैट हाफ पास्ट 4, रनिंग आउट ऑफ टाइम, 10 मिनट्स बाद बंद हो जाएगा, आपने दोबारा से रिकनेक्ट कर देना. Today I will not give you any break time. सही है, नहीं कर रहे भाई हम अपग्रेड. अच्छा जी, ये तो मिल ही नहीं रहा भाई. कार्ड व्यू ये रहा. हाँ भाई, तो क्वेश्चन था हमारा पास्ट. नाउ फोर जो हमारी सुई होगी छुट्टी वाली, वो होगी 4 पे. सही है, और जो बड़ी वाली सुई होगी वो किधर होगी भाई? दैट विल बी एट, नहीं बनाओ निशान, मुझे पता चल रहा है कौन करता है, सो इसलिए डोंट डू दिस. ओके, और वो बड़ी सुई कहाँ होगी? 12 पे, समवेयर ओवर हियर. क्लियर है? अच्छा, मुझे मजा नहीं आ रहा जब तक मैं अनम्यूट नहीं करूंगी ना सबको. यहाँ तक क्लियर है? आर यू ऑल क्लियर अबाउट इट? सो ये है हमारा 12 मिनट्स पास्ट फोर. ये है हमारा 12 मिनट्स. इस तरह से हम करेंगे. ये बड़ी वाली सुई आपको मिनट्स दिखाती है, जो लंबी सुई होती है. द
big needle shows you that how many mints are there, and the small one shows you the hours. Sahi hai? So 12 mints past 4 is this in watch. When you will see the watch, that is what is mean by 12 minutes past 4. अब थोड़ा सा ना अपने बहन भाइयों के सामने, छोटे से बहन भाई होते हैं उनके सामने आपने बनना है थोड़ा सा clever. What you will have to give tell the time, how you will have to tell the time, like this. 12 minutes past 4, 15 minutes past 4, 15 minutes में क्या हो जाएगा? अगर पास्ट फाइव है तो यहाँ जाएगी हमारी छोटी सी, छोटी सी जो सुई होती है वो यहाँ जाएगी. एंड इफ 15 मिनट्स पास्ट फोर है तो वो यहाँ आएगा. 15 मिनट्स, दिस वन इज मिंट, ब्लू वन इज मिंट, सही है, एंड द रेड वन इज ऑफ आर. नाउ मुझे सब दिख रहा है, जो जो आप लोग बातें कर रहे हैं ना, मैं हटाती हूँ, चैट ही बंद करती हूँ. रुको, क्यों लड़ते हो, क्यों लड़ते हो? Why to fight all the time? This is so wrong. Okay, यहां तक you all are clear. चैट्स कर दिए, क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे? डोंट मैसेज ऑल, मतलब कोई कर ही नहीं सकता. मैं सेटिंग पे जाके नो वन अब कर बंद कर दी मैंने चैटिंग, बिल्कुल अब नहीं हो सकती. ओके नाउ, अब हम आ जाते हैं अपनी सेम वर्कशीट पर. अब्स, गलत वर्कशीट खोल दी. फोटो गैलरी स्क्रीन का टाइम बिल्कुल अप होने वाला है. इट्स ओनली 6 मिनट्स हैज बीन रिमेन. So, जैसे ही टाइम अप होगा, यू विल हैव टू कम अगेन, ज्वाइन अगेन एट द सेम मोमेंट, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. सही है? नाउ आई एम अनम्यूटिंग यू ऑल, यू कैन, आई एम अलाउइंग यू ऑल टू अनम्यूट योर सेल्फ. सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन उमर के अलावा. दोबारा ज्वाइन करना है क्या? दोबारा उनके कुर्सी पे बलून पड़ा हुआ है. मैं अब शिफ्ट कर चुका हूँ, अभी कर चुका हूँ. मैं उमर इज प्लेइंग विद बलून. व्हाई उमर प्लेइंग प्लेइंग पड़ता है. ये नंबर थर्ड वाले का आंसर क्या है? नंबर थर्ड वाले का आंसर नहीं आ रहा मुझे. ओके नाउ डैड हैज स्टार्टेड टू क्लीन हिज कार एट 3:45. अब ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, ये हमारी हमें समझ आ गई है. मेरा आंसर बहुत आसान है. 4:12 पे उन्होंने क्या किया? फिनिश कर दिया अपनी जो कार थी, उसको क्लीन करना उन्होंने फिनिश कर दिया. ही हैज फिनिश्ड टू क्लीन हिज कार एट 4:12 एंड ही स्टार्टेड एट 3:45. सो व्हाट यू विल हैव टू डू इज, हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू क्लीन द कार, मतलब उन्होंने कितना टाइम लिया अपनी कार को साफ करने में. तो अब टाइम कितना लिया? 4 आवर्स 12 मिनट्स. 4 आवर 12 मिनट्स. जी नहीं, उन्होंने कितना टाइम लिया? उन्होंने कितना, इस 12 मिनट के लिए हुआ.
12 मिनट अच्छा ये 4:12 पहले अगर हम इस तरह माइनस नहीं कर रहे हैं हमके टीचर 5:40 हो गए अगर हम 4 आवर्स में से 3 आवर्स निकाल दें हां मैंने कैमरे में अपनी अरे यू टेल मी टीचर अरे 4 में से 3 निकाले कितने बचे मिस 1 1 आवर 1 आवर निकाल लिया दिस इज 1 आवर 1 आवर यहां तक क्लियर है 1 आवर तो उन्हें लगा था क्लीन करने में नाउ अब हमें पता करना है कि कितने मिनट्स लगे थे मिनट्स लगे थे 45 माइनस 12 मिस 5 अभी आंसर लिखिए मिस 3 के पहले आएगा टी तो आएगा भी 3 33 है 33 में आंसर शोर हो रहा है जब बहुत शोर हो रहा है तो कितने कितने 27 कितना टाइम लगा 1 आवर 33 मिनट्स हाउ मच टाइम ही टुक टू कंप्लीट हिज क्लीनिंग हिज कार 1 आवर 33 मिनट्स 1 आवर 33 मिनट्स दैट्स सो यस कितना टाइम रहता है क्लास एंड होने में नींद आ रही है नो मी मेरे सर 3 मिनट 3 मिनट 2 मिनट्स हम आपको दोबारा ज्वाइन करें लाइबा की भी क्लास है नहीं है लाइबा की नहीं होगी बार बार भूल जाते हैं कल होगी कल होगी दोबारा से ज्वाइन करना है कल मेरी नहीं होगी कल मिस लाइबा की होगी अब आप तो वापस से ज्वाइन कर सकते हैं आप यहाँ तक क्लियर हो गए ये चीज आपको समझ आ गई तो उन्होंने कितने लिए 1 आवर 33 मिनट्स अच्छा वैसे 12 मिनट्स अगर उन्होंने लिए हैं हाँ सही है ये सर आंसर तो मुझे वो लग रहा है ऐसे मैं अभी जल्दी मीटिंग एंड करें मुझे लग रहा है असल आंसर 357 नहीं नहीं इन्होंने कहा है कि कितना टाइम इन्होंने लिया बेटा कितना टाइम लिया मतलब कि कितने आवर्स इन्होंने लिए कितना टाइम लिया आपने मैं अगर आपको कहूं कि बेटा आपने अपने जो है अपना मैथ होमवर्क करने में कितना टाइम लिया आप क्या बताएंगे मुझे आप मुझे 445 10 मिनट जी बताएंगे 10 मिनट्स लिए 4 मिनट्स लिए या मैंने 1 मिनट लिया मिस मैंने तो उतना लिए होंगे उतना बताएंगे हम 3 वाले का आंसर बता रहे हैं मैंने 20 मिनट लिए एग्जैक्टली आप 20 बताएंगे आप मुझे टाइम तो नहीं बताएंगे ना